मैंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, मैंने कभी जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं लिए. आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैप बॉटम. आई स्टार्टेड विद माय फर्स्ट एपिसोडिक्स. एपिसोडिक्स के साथ मेरी शुरुआत हुई है. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे. joinfilms.com. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और मेरे साथ हैं शहजाद शेख. वेलकम टू joinfilms. वेरी नाइस टू बी हियर. थैंक यू सो मच. आपको देख रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है जी. और आज जो आप आए हैं ये रिश्ते हैं प्यार के. ये क्या कनेक्शन है? फैमिली है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है. हम एक बहुत बड़ा खानदान है और एज इंडिया ऑलवेज लव्स जॉइंट फैमिलीज, सो वी आर वन बिग हैप्पी जॉइंट फैमिली. ओके, तो ये जो एक्सटेंशन है फैमिली का वो एपिसोड में और सीरियल में एक्सटेंशन हो गया. यस ऑफ कोर्स, और इंशाल्लाह लाइफ के अंदर भी इसी तरह हम सब मिलजुल के रहेंगे तो ऑब्वियसली टुगेदर फॉरएवर. तो ये जो कैरेक्टर आपका ये रिश्ता कहलाता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. नक्स सिंगानिया, आपका करंट रेडबुल ऑन ये रिश्ता गिविंग एवरीवन अ हार्ड टाइम, बट जो भी देख रहे हैं वो नक्श को काफ़ी टाइम से जानते हैं. नक्श प्यार के मामले के अंदर और फैमिली की मोहब्बत के बारे के अंदर थोड़े से गर्म हो जाते हैं कभी कभी, पर ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द जेंटलमैन, द शिवलरी बॉय, द मैन एवरीवन वुड वांट इन द हाउस इवेंचुअली. हार्ड टाइम सबको देते हैं. ये करेक्टर के आपके आसपास का ही है, आपके नेचर का है या अलग है? नहीं नहीं, बैंग ऑपोजिट, बैंग ऑपोजिट. कोई भी आपको मिलेगा कि मेरी रेपुटेशन है नाइसेस्ट गाय, दैट्स माय रेपुटेशन. तो नाइस गाय को जो हार्ड टाइम देने वाला गाय बनना पड़ा, इसके लिए क्या प्रिपरेशन किया? हमारा आर्ट है, हम मोहब्बत करते हैं इससे. बचपन से हम भी टोनी मॉन्टाना, हीथ लेजर को भी फॉलो कर ही देते. एंड ऑब्वियसली वी हैव आवर लेजेंड्स लाइक ब्रांड एंड यू नो इवन शाहरुख खान व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ हिज थिंग विद हिज थिंग. सो यस यस, हम मोहब्बत करके आए, हमारे सीनियर्स बहुत पसंद है एंड वी आर हैप्पी टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले. ओके, तो ये जो आपने बताया कि बचपन से प्रिपरेशन चला था, तो बचपन से माइंड में था कि मुझे एक्टर ही बनना है? हाँ, सेकंड स्टैंडर्ड से, और मैं सऊदी अरेबिया जद्दा में बड़ा हुआ था. हाँ, हमारे पास सिनेमाज नहीं थे, सिर्फ टेलीविजन था कनेक्ट करने के लिए. हाँ, हमारे घर वालों के साथ. तो फिर वहाँ से यहाँ इंडिया तक का और फिर सिनेमा में आने का, टीवी इंडस्ट्री में आने का, इतना आसान था रास्ता? नहीं, बहुत लंबा सफर हुआ है. मैं एक एक्स स्टॉक ब्रोकर हूँ, एक्स कैबिन क्रू हूँ, एक्स एंटरप्रेन्योर हूँ और 7 साल होटल्स में भी काम कर चुका हूँ. इतने सारे काम, मतलब एक नॉर्मली एक एक्टर होता है वो बहुत सारे कैरेक्टर करता है, लेकिन आपने उससे पहले ही बहुत सारे रोल प्ले कर लिए. इट इज द लॉर्ड्स विश. वो हेल्प करता है कभी भी डिजाइन करने में कैरेक्टर को? ह्यूमिलिटी, पर्सपेक्टिव, ह्यूमिलिटी देता है, हम्बल बनाता है इंसान को, पर्सपेक्टिव देता है और एक ड्राइव देता है. ओके, व्हिच इज नीड. जब हम बाहर से एज ए ऑडियंस देखते हैं, टीवी को देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं, सब बड़ा अच्छा लगता है, सब बढ़िया लगता है, लेकिन जब आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, एक्टर बनने के लिए, तो फिर क्या हुआ था शुरू में आपके साथ? शुरुआत में मैंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, मैंने कभी जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं लिए. आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैप बॉटम. आई स्टार्टेड विद माय फर्स्ट एपिसोडिक्स. एपिसोडिक्स के साथ मेरी शुरुआत हुई है और उसके बाद टच हुए, अल्लाह की रहमत थी, कबूल हैपेंड. फिर मैंने एक फिल्म भी करी, बेपना हुआ पिछले साल, और दिस ईयर ये रिश्ता हैज बीन काइंड टू मी एंड सो हैज राजन सर. कितने ऑडिशंस दिए? हाँ, उस टाइम पे ऑडिशंस आर क्या कहते हैं, जॉब इंटरव्यूज. अच्छा. हाँ, मैं बहुत कॉर्पोरेट इंसान हूँ. हाँ, अगर आप एक एक्टर हैं, आप ट्राई करते हैं, इन्हें ऑडिशन टाइप मत कीजिए, इन्हें जॉब इंटरव्यू टाइप चूज करें, और आपको समझ में आएगा जितने ज्यादा जॉब इंटरव्यूज देंगे कहीं ना कहीं आपकी जरूरत आई जाएगी. ओके, अब जो आप सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो अभी भी कोई प्रिपरेशन चल रही है अगले गोल के लिए? एवरी सिंगल डे एक गोल खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है. टच वुड, टेलीविजन से मुझे जो चाहिए था वो राजन सर ने मुझे सिल्वर प्लेटर पे दिया है, तो मैं कुछ मांग नहीं सकता. बट नाउ इट्स टाइम टू टेक इट अप अनदर लेवल ऑफ कोर्स. तो अनदर लेवल शेयर करना चाहेंगे? लेट इट हैपन. अच्छा, एंड देन यू विल सी फॉर इटसेल्फ. ओके, थैंक यू. इट्स बीन एन ऑनर. थैंक्स, हैव अ गुड इवनिंग. थैंक यू. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें.